चल यार चल इस बार चल दुनिया नहीं है बबल। ये हो गई भैया नए फोन से सेल्फी, एक सेकेंड। अब करते हैं इसको अपलोड। ये चीज मेरे अजीज। क्या हुआ नबील? कुछ नहीं जानू, कुछ नहीं। अच्छा तो परेशान क्यों लग रही हो? क्या करूं जानू, घर की जिम्मेदारियां मुझ पर इतनी है इसलिए मैं परेशान हूँ। तुम्हें कौन सी जिम्मेदारी है नबील? जानू दिन में 12-12 घंटे सोने की जिम्मेदारी, ताकि तुम पे स्ट्रेस ना आए। तुमसे किसने कहा है कि तुम्हारे सोने से मेरा स्ट्रेस कम होगा? वेरी सिंपल जानू, जितना मैं सोऊंगा ना उतना हम कम लड़ेंगे, जितना हम कम लड़ेंगे उतना स्ट्रेस कम होगा। जानू देख लो मैं कितना सोचता हूँ तुम्हारे बारे में। कल मुझे नींद नहीं आ रही थी, कल मैं 4 गोलियां खा के सोया हूँ, देख लो मुझे तुम्हारा कितना ख्याल है। बस करो अपनी फजूल लॉजिक, और ये बताओ तुमने मुश्ताक साहब को रेंट दे दिया? दे दिया जानू, दे दिया, तुम्हें तो पता है मेरा, मैं टाइमली दे देता हूँ रेंट जो है। एहतियातन पापा जी से कहो 8-9 महीने का इकट्ठा रेंट भिजवा देना यार, क्या मसला है उनको? वो क्यों? देखो जानू हर महीने जब मैं मुश्ताक को रेंट देने जाता हूँ ना तो 500-600 टैक्सी वाला ले लेता है, फिर कुछ मेरा खाना पीना, तो सोचो 1,000 रुपया तो गया ना, और अगर 6 महीने का हम उसको एडवांस देते हैं तो 6,000 बच गया ना। ऐसा सुगर शॉर तुम्हें मिलेगा कहीं? शट अप नबील। ओके जानू, ओके, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। माँ जी ये देखे मेरा ब्रांड न्यू फोन। माशाल्लाह माशाल्लाह। मामा साहब आप ही देखें, आपने भी इतना महंगा फोन नहीं देखा होगा जिंदगी में। मैं देखना भी नहीं चाहता भाई। कितने का है पुत्र? ऐसे ही माँ जी को 2-2.5 लाख रुपए। ओए शाबाश, 2-2.5 लाख का? ना तू अपनी माँ को वो नहीं बना के दे सकता था। वो क्या माँ जी? वही जो पीला पीला होता है। सोना सोना? नहीं नहीं मुझे नहीं सोना इश्फाक। महमूद। हाँ तो महमूद को बोले कि सो जाए। अरे मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ भाई। हाँ हाँ गोल्ड, ना तू मुझे गोल्ड नहीं दिला सकता था। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, ये तुमने इतना महंगा मोबाइल खरीद कैसे लिया? अरे तुम्हारा तो कोई दोस्त भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें इतना महंगा फोन दिलवा दे। महमूद साहब ये फोन मैंने सौदे में से पैसे मार 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 के खरीदा। अरे भाई 400-500 रुपए की सब्जी आती है हमारे घर में, तुमने उसमें से कोई 35-40 रुपए बचा लिए होंगे। अरे ये 2.5 लाख रुपए का फोन कहाँ से आया? क्योंकि मैं एक सुगर शौहर। आप भी कुछ सीखे मुस्तकीम, आपने भी सौदे में से पैसे बचा बचा के मुझे एक अच्छा मोबाइल लेके देना है। हाँ। चले माँ जी कुछ तस्वीरें हो जाए। हाँ जी चले जरा माँ जी। ये प्लीज माँ जी, ये चीज माँ जी, ये चीज माँ जी। हाँ भाई कौन है तू? मेरा कोट देखकर भी नहीं समझी? हाँ देख रही हूँ, बड़ा ही मैला बदबूदार कोट है। इसका मतलब है तू फकीर है। चल भाग इधर से। मैं आपको शक्ल से फकीर लगता हूँ? ना शक्ल से तो मुझे कोई तू चोर लगता है। मैं चोर नहीं हूँ बल्कि चोरों को सजा दिलवाता हूँ। अच्छा तो तू पुलिस वाला है? नहीं मैं पुलिस वाला भी नहीं हूँ। ये देखे मेरे हाथ में क्या है? उंगलियाँ। अरे भाई इसके अंदर नोटिस है, नोटिस। शाबाश तू मुझे तलाक का नोटिस दे रहा है। मैं आपको तलाक का नोटिस क्यों दूंगा भाई? ओए क्या पता तू मेरा शौहर हो। ये क्या कह रही हैं आप आंटी? चुप है, अपनी बीवी को आंटी बोलते हुए शर्म नहीं आती तुझे? अल्लाह ना करे मैं आपका शौहर नहीं हूँ भाई। इसका मतलब है ये नोटिस मुझे मेरे शौहर ने भेजा है। अरे फील में लुट गई तो मैं बर्बाद भी हो गई हूँ। क्या हुआ माँ जी क्या हुआ? पुत्र मेरे मियाँ ने मुझे तलाक का नोटिस भिजवा दिया है। महमूद साहब मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आपके बड़े सारे मुंह को अब मैं अदालत में घसीटूंगा। अरे भाई मैंने कोई नोटिस वोटिस नहीं भेजा। भाई ये ठीक कह रहे हैं, नोटिस इन्होंने नहीं भेजा, मुश्ताक साहब ने भेजा है। लेकिन उनकी बीवी तो यहाँ रहती नहीं है। ये तलाक का नोटिस नहीं, घर खाली कराने का नोटिस है। 3 महीने से इस घर का किराया नहीं दिया आप लोगों ने, इसलिए इंस्पेक्टर मुश्ताक आप लोगों पर केस कर रहे हैं। ये केस का नोटिस है, आप लोगों को कोर्ट में आना होगा। नहीं मैं कोर्ट में नहीं आऊंगी, मैं साड़ी में आऊंगी। अरे अदालत की बात कर रहे हैं वकील साहब। देखिए उन्हें कोई गलत फहमी हुई है, हम तो 3 महीने का रेंट टाइम पे दे चुके हैं। क्यों नबील? जानू तुम ना मेरे साथ जरा अंदर आओ। क्यों? जानू मुझे तुमसे एक बात करनी है। अच्छा चलो आओ आओ जानू आओ।
वकील साहब आप बैठे, हम आते हैं। जाओ जाओ जाओ। आइए आइए वकील साहब। जानू और नहीं वकील, बैठे 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 तुम भी कहीं बैठ जाओ जी। क्या बात है बोले? जानू मुझसे ना एक छोटी सी नन्नी मुन्नी सी गलती हो गई है। क्या गलती? जानू वो वकील ठीक कह रहा है, पिछले 3 महीने का किराया नहीं दिया मैंने। तो इतने पैसों का किया क्या तुमने? जानू ये मोबाइल ले लिया मैंने। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना वीर, पिछले 3 महीनों का तुमने किराया नहीं दिया, मुझसे झूठ बोला और अब ये फोन ले लिया। जानू मुझे क्या पता था ये मुश्ताक का बच्चा जो है वो नोटिस ही भेज देगा यार। लोग एक एक साल किराया नहीं भरते तब कहीं जाके मालिक मकान केस करते हैं यार। जानू इसने तो 3 महीने नहीं बर्दाश्त किया, वैसे मेरा तो एतबार ही उठ गया इस दुनिया से। शट अप नबील। ओके जानू। नबील ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, अब तुम ही निपटोगे उस वकील से, वरना मैं पापा के पास चली जाऊंगी और वो भी अकेली। जानू तुम फिक्र मत करो, मैंने भी सोच लिया। क्या सोचा? मैं केस करूंगा। नबील अब तुम पैसों के लिए पापा पे केस करोगे? जानू वैसे आइडिया ये भी बुरा नहीं है पापा जी पे केस का, लेकिन अभी फिलहाल मैं इंस्पेक्टर मुश्ताक पे केस करूंगा। जब तक हमारा केस चलता रहेगा हमें किराया भी नहीं देना पड़ेगा। तुम किस बात का केस करोगे? क्या मसला है तुम्हें इस घर में? अरे कोई एक मसला है इस घर में, कमोड करके काम नहीं करते, न गैस आती है न पानी आता है, बारिश होती है तो छत टपकती है यार, और कितने मसले बताऊं इस घर में। ये सब झूठ है नबील। लेकिन हमारा वकील सच साबित करेगा जानू, तुम देखना मैं करता क्या हूं। वकील साहब ये मामला ज्यादा सीरियस तो नहीं हो जाएगा? अभी तो सिर्फ नोटिस आया, अगर घर खाली ना किया ना तो पुलिस भी आएगी। पुलिस? और अगर पुलिस आई तो सब जेल जाओगे। जेल? नाना पुत्र मैं तो तेरी माँ कैसी हूँ, तो अपनी माँ को जेल कराएगा? आप अपने बेटे को समझाएं कि शाम तक घर खाली कर दे, इंस्पेक्टर मुश्ताक अपना नोटिस वापस ले लेंगे। भाई हम तो वैसे भी मेहमान थे 2-4 हफ्तों के लिए इस घर में, हमारी तो कल ट्रेन है। हाँ हमारे पास ट्रेन भी है। अरे ट्रेन नहीं मोमो, ट्रेन की टिकटें, कल हम वो गाँव जा रहे है ना। हाँ, 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 आप बुला ले पुलिस। बल्कि ये जो नबील है ना, अरे इसका पुलिस से कुछ नहीं बनना, ये बहुत ही शातिर और घटिया किस्म का इंसान है। हाँ। इसके लिए रेंजर्स मंगवाए, रेंजर्स। अरे ये छोटी सी बनियान से ना घसीटते हुए से बाहर। हाँ। माँ जी मैं वो सब, आपने आप इस वकील से कोई बात नहीं करनी। हाय पुत्र, स्क्रिप्ट में जो जो लिखा था हमने तो वो सारा कह दिया भाई। जो कह दिया सो कह दिया, अब वकील से कोई बात नहीं करेंगे। अरे भाई बात नहीं करेंगे तो ये घर खाली करवा लेंगे। नहीं करवाएंगे, क्योंकि हम इंस्पेक्टर मुश्ताक पर केस कर रहे हैं। होश आवश, ये हुई ना बात फरखंदा। खूबसूरत। हाँ हाँ ये हुई ना खूबसूरत सी बात फरखंदा। लेकिन ओ बस भाई बस, अब तुमसे हमारा वकील बात करेगा। आप लोग मेरे साथ लॉन में आए। ओ बैठो बैठो, मेरा मतलब आप तशरीफ रखें, आप लोग आए। अब हम क्या करेंगे नबील? करना क्या है जानू, वकील करेंगे। पर वकील तो बहुत सारे पैसे ले लेगा हमसे। तू वकील छोड़ पुत्र, अच्छा सा डॉक्टर कर ले, जेली और चीप डॉक्टर। अरे डॉक्टर तो केस करता है, वो केस लड़ेगा कैसे? हम उसको तलवार दे देंगे, राम से लड़ेगा। ओ माँ जी, हमने इंस्पेक्टर मुश्ताक को जान से नहीं मारना, उन पे केस करना है और उसके लिए एक वकील चाहिए। मैं शहर का सबसे अच्छा वकील करूँगा। अच्छा और अच्छे वकील की फीस कौन देगा? अरे उसकी टेंशन मत लो जानू, फीस की जिम्मेदारी मेरी। देखा खामखा मेरे पुत्र को नकम्मा काम चोर समझते हो, कितना जिम्मेदार है मेरा पुत्र। हाँ हाँ पूरी जिम्मेदारी से पापा जी को फोन करूंगा और वकील की फीस मंगवाऊंगा। चलो तुम बस एक अच्छा सा वकील अरेंज कर दो। मेरी एक दोस्त है शीना, अच्छी वकील है। चलो देखने में कैसी है शीना? मैं अपने लिए नहीं पूछ रहा यार, महमूद साहब के लिए कह रहा हूँ, इनसे हुसन बर्दाश्त नहीं होता। पुत्र तू इनकी फिक्र ना कर, अगर इन्होंने उसको ज्यादा देखा ना तो मैं इनकी दोनों आंखें निकाल के वो कर दूंगी। वो क्या? डोनेट महमूद साहब डोनेट, इस तरह हम वकील की फीस भी दे पाएंगे। तुम चुप करो, खामखा में मोमो को मत भड़काओ। खूबसूरत तुम अपनी दोस्त को फोन लगाओ। जानू फोन है, लगाओ और जोर से लगाना। शीना, मैं नबील, खूबसूरत का शौहर। हेलो नबील भाई। मैं मर गया। अरे आप इन्हें संभाले ना अंकल। अंकल अब तुम हम दोनों को संभालो। कैसे संभालो और क्या बुलाओ? जान बेबी जानू, जो दिल चाहे कह लो। बदतमीज नौकर, मैं तो उम्र का ख्याल करते हुए अंकल कह रही थी तुम्हें
तुम? अरे भाई मैं नौकर वोकर नहीं हूँ, मैं नवील का बाप हूँ। सुतेला बाप। ठीक है ठीक है, मेरी दोस्त खूबसूरत कहाँ है? खूबसूरत तो आपका नाम होना चाहिए था शीना, वो तो बस नाम की खूबसूरत है। थैंक यू नवील भाई। हाय हाय, मैं फिर मर गया। ज्यादा ओवर होने की जरूरत नहीं है, वरना खूबसूरत से आपकी शिकायत कर दूंगी। मजाक मजाक, मैं तो मजाक कर रहा था यार। क्या हो गया शीना माँ जी आपको? आप एक काम करें, आप मेरे साथ इधर बैठे लॉन में, मैं मुसाब आप माँ जी और खूबसूरत को ले अंदर, वकील बैठा है। हम पहले शीना को, बल्कि शीना बाजी को अपना मसला सुनाएंगे। वो जो हम अकेले में शीना को बताएंगे वो मसला होगा। हाँ जी। अच्छा जी, आप आइए शीना बाजी। नोटिस भेजा है मालिक मकान ने शीना, वो कह रहा है शाम तक घर खाली करो। वो बात तो ठीक है खूबसूरत, पर तुम लोगों ने पिछले 3 महीने से किराया क्यों नहीं दिया? शीना जी ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। आपकी वजह से? क्योंकि मैं पिछले 3 महीने से एक गरीब आदमी के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा था, किडनी का उसका इलाज करवाना चाह रहा था, फिर भी पैसे कम पड़ गए, और आज सुबह तो मैंने अपनी किडनी भी डोनेट कर दी और सारे पैसे मैंने खर्चे के लिए दे दिए, इसलिए बस 3 माह का किराया नहीं दे पाया मैं। आज के जमाने में इतने नेक लोग कहाँ होते हैं? मेरा पुत्र बड़ा नेक है, कोई भी उससे किडनी मांगे ना झट से दे देता है किडनी अपनी। अब तक 400-500 मर्तबा दे चुका है अपनी किडनी। क्यों? ये किडनी स्मगल करते हैं क्या? वैसे इस बात पे ना तो नबील पे भी केस बनता है। शीना वो वकील अंदर बैठा है, प्लीज कुछ करो। मेरे होते हुए आप लोगों को फिकर करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी उस वकील से बात करती हूँ। आप लोग आए मेरे साथ। तो तुम हो वो वकील जो मेरी दोस्त से घर खाली करवाने आए हो? हाँ, और मैं घर खाली करवा कर रहूंगा। एक तो घर में रहते, ऊपर से किराया नहीं देते। कैसी बदमाशी है ये? बदमाश तो तुम और तुम्हारे क्लाइंट्स हैं जो मेरे मासूम क्लाइंट्स को बेघर करने पे तुले हैं। मासूम? अरे कहाँ से मासूम है ये, धोखेबाज है ये, और इनका वकील भी धोखेबाज है। धोखेबाज तुम और तुम्हारे क्लाइंट्स हैं, मैं तुम पे केस करूंगी और जेल करवा दूंगी। वीना? वीना नहीं, शीना नाम है इसका। खबरदार अपनी जुबान से अगर मेरा नाम मिल गया तो। नबील, इनकी तो पुरानी चपकलिश चल रही है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इन पे मंशियात का केस डालूंगा, मुल्क दुश्मन साबित करूंगा। तड़प तड़प कर मरोगे तुम लोग, तड़प तड़प कर। तड़प तड़प के तो तुम मरोगे, मैं ऐसा केस तैयार करूंगी कि मेरे क्लाइंट्स को इस घर से सारी जिंदगी कोई नहीं निकाल पाएगा। ये चीज मैं देख लूंगा तुम्हें। अरे मैं भी देख लूंगी तुम्हें। तुम दोनों एक दूसरे को इतनी देर से देख तो रहे हो। देखिए आप लोग आराम से बैठ के अपने मसलों का हल निकाले ना। कोई नहीं बैठेगा, अब पहलाने जंग होगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ओए बड़ी बिस्ती हुई है पुत्र, तेरी बड़ी बिस्ती हुई। भाई भले ही हम इंस्पेक्टर मुश्ताक पे केस करना चाह रहे थे, पर जो आपके साथ हुआ है बहुत ही बुरा हुआ। बुरा तो मैं करूंगी, उस इंस्पेक्टर मुश्ताक और वकील के बच्चे पे केस करूंगी, जेल में सड़ेगा बदतमीज आदमी। अच्छा अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम प्लीज रिलैक्स हो जाओ, काम डाउन, इतना गुस्सा मत करो। रिलैक्स रिलैक्स माय फुट। वो बदतमीज लड़की को मैं सबक सिखा कर रहूंगा, वो क्या समझती है मैं लायक वकील नहीं हूँ? हाँ मैं तो कहती हूँ सबसे बड़ा वाला केस ठोकना उस बदतमीज लड़की पे। अरे वो लड़की हमारी वकील है मुमताज। मुमताज? लो जी, उसका नाम भी मर्दों वाला है, इसीलिए मर्दों की तरह चीख रही थी वो। मुमताज तुम्हारा नाम है भाई। उसका नाम क्या है? मेरा नाम है शीना। शीना कोर्ट में उसका काला कोट न उतरवा दिया तो मेरा नाम भी शीना नहीं। जबरदस्त जबरदस्त, मैं आपके साथ हूँ शीना, तुम्हारी कसम। नबील मैं इस केस में उनके साथ हूँ, जानू क्या हो गया। मैं अभी उसका दिमाग दुरुस्त करती हूँ। मैं उस शीना को छोड़ूंगा नहीं। हट जाओ। अच्छा बच्चे जा पुत्र। कैसा भड़काया, अब आग लगी लगी। Excuse me, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा, तुम मेरा पीछा कर रही हो। मैं तुमसे पहले आया हूँ यहाँ। Shut up. You shut up.
अब मैं तुम्हारा वो वाला मंगेतर नहीं रहा जिसे तुम बुलबुले की खूबसूरत की तरह चलते फिरते शटअप कहती थी। देखो तुम अपने क्लाइंट से कहो कि ये केस वापस ले ले। मैं क्यों वापस लूं केस, तुम पीछे हट जाओ। मैं आज तक एक भी केस नहीं हारी, याद रखना। थोड़ा भारो दी ना। तुम मुझे हराओगे? भूल गए मेरे गुस्से से तुम्हारी जान जाती थी? अरे उसी रोज से शुक्राने के नफल पढ़ता आ रहा हूँ कि अल्लाह का शुक्र है तुम्हारा शौहर बनने से बच गया मैं। तुम मुझे डिजर्व भी नहीं करते थे मिस्टर। अरे जाओ जाओ, मुझे तुमसे कई गुना अच्छी लड़की मिल गई है। अगले महीने शादी है मेरी। हाँ तो अगले महीने मेरी भी शादी है। क्या? हाँ आ जाना तुम मेरी शादी में कुर्सियां लगाने। बाहर में जाओ तुम। मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगी। अरे हाँ हाँ देख लेना, मैं भी देख लूंगा तुम्हें। क्या बात है नबील, तुमने हमें यूं कमरे में क्यों बुलाया? महमूद साहब मैंने सारी बातें छुप के सुन ली है। बहुत ही बदतमीज किस्म के बच्चे हो तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें है? अपनी माँ और मेरी मोहब्बत भरी बातें छुप छुप के सुनते हुए। कैसी बातें कर रहे हैं महमूद साहब, मैंने उस वकील और शीना जी की बातें सुन ली है। उन दोनों की क्या बातें? जानू वो दोनों मंगेतर रह चुके हैं। हाँ माँ जी, और उनकी शादी होते होते रह गई थी ना, तो अब हम क्या करेंगे जमील? नबील माँ जी। अच्छा हम उसकी शादी अब नबील से करवाएंगे? आपके मुंह में घी शक्कर माँ जी। शट अप नबील। ओके जानू पहले मेरा प्लान तो सुन लो। सुनो ये लोग एक दौर में एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, हमें उनकी सोई हुई मोहब्बत को जगाना है जानू। अरे हमें क्या मिलेगा भाई उनकी मोहब्बत जगा के? देखो अगर उन दोनों की दोस्ती हो गई तो वो एक दूसरे के खिलाफ केस नहीं लड़ेंगे, और अगर वो केस नहीं लड़ेंगे तो हमें घर खाली नहीं करना पड़ेगा का हिस्सा। मुझे नहीं लगता हमें ये सब कुछ करना चाहिए। और फिर तू मंगा ले अपने पापे से पूरे साल का किराया। जानू इस बार तो हम कुछ गलत काम ही नहीं कर रहे यार, तुम्हारी दोस्त का घर बसा रहे हैं। ठीक है आप लोग करें जो आपने करना है, बस मेरी दोस्त का दिल नहीं दुखना चाहिए। नहीं जानू तुम्हारी दोस्त का दिल कभी नहीं दुखाऊंगा मैं। चलो नबील तुम्हारी बहन का घर बसाए। आप लोग सब मेरी बात सुने, मैं सब आप कहाँ निकल लाए? नहीं भाई तुम बहुत जोर से चक मारते हो। पुत्र मेरा काम तो फरिंज में रखा है। अरे मोमो कैसी बातें कर रही हो, वो रान रखी हुई है बकरे की, काम तुम्हारा ये है। अच्छा सुने सुने मेरी बात सुने बात। अच्छा हमें देखे शीला जी हमें ना आपसे एक बात करनी है। आप लोग फिक्र मत करें, मैं उस वकील पे ऐसा केस करूंगी कि वो सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा। नहीं नहीं लेकिन हमें वकील पे केस नहीं करना। मेरा मतलब है मैं इंस्पेक्टर मुश्ताक पे केस करूंगी। मुझे तो वकील पे बड़ा तरस आ रहा। तरस और उस चुड़ैल पर? अरे उससे तो शैतान पना मांगता है। अरे लेकिन वो तो तुम्हारा नाम ले लेकर रो रही थी। मेरा नाम ले रहा था वो? क्या कह रहा था बताओ ना खूबसूरत। मुझे ना एक्चुअली से इतना याद नहीं आ रहा। मुझे 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 याद है, वो अपनी गलतियों पे बहुत शर्मिंदा था और वो कह रहा था कि वो बहुत प्यार करता है आपसे। क्या ऐसा कहा मेरी शीनो ने? शीनो है चड़ैल से डायरेक्ट शीनो? मैं जानता था वो आज भी मुझे बहुत चाहती है। मुझे कहीं ना कहीं पता था कि मेरा महबूब मेरा ही है। महबूब? हाँ उसका नाम महबूब है। मैं आ रही हूँ महबूब, मैं आ रही हूँ। हाँ? आ रही हूँ। शीनो डार्लिंग, शीनो डार्लिंग मैं आ रहा हूँ। हाँ जाओ जाओ। हमारा काम हो गया, आओ 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 जा जाओ। चलो इधर 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 उधर। हाँ मुझे पता ही नहीं था कि तुम आज तक मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो। मुझे भी नहीं पता था। जब तुम मुझे इतना चाहती हो तो किसी और से शादी कैसे कर सकती हो शीनो जानू? वो तो बस मैं तुम्हें जलाने के लिए झूठ बोल रही थी, लेकिन तुम तो सचमुच में मुझे भूल गए और किसी और से शादी करने जा रहे हो। अरे मैं भी सिर्फ तुम्हें जलाने के लिए कह रहा था। तुम कितने घटिया हो महबूब। तुम भी कितनी अच्छी हो। अब छोड़ो ना ये पुरानी बातें, इससे पहले कि दोबारा हमारा ब्रेकअप हो जाए हम शादी कर लेते हैं। विल यू मैरी मी? हाँ हाँ। सिंगल गवारा है दिल मेरा, कोई ले जाए इसे क्यों उड़ा के। आशिक गवारा है मन चला, रखा था जो निगाहों से बचा के। दिल सीधा सादा है, मुश्किल इरादा है। ओ पहली बार तुमने किसी लड़की की सेटिंग किसी और लड़के से करवाई है। देख ले महमूद साहब,
आप सब की खातिर ये कुर्बानी दी है मैंने। Shut up नबील। Okay जी। लो जी थोड़ी देर पहले तक तो एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे, अब हीर मांझा बने फिर रहे हो। मांझा नहीं रांझा, हीर रांझा। कौन रांझा? मैं तो किसी रांझे को नहीं जानती। आप सब बहुत अच्छे हैं और आप लोगों की वजह से हमारी दोस्ती हो गई। अब आप लोगों पे कोई केस नहीं होगा। अब मैंने इंस्पेक्टर मुश्ताक से बात कर ली है, वो नोटिस वापस लेने को तैयार है और 3 महीने का वो किराया जो आप लोगों ने अदा नहीं किया वो भी माफ कर देंगे। गॉड, हमें ये घर खाली नहीं करना पड़ेगा। नहीं नहीं, घर तो आपको खाली करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये घर मुश्ताक साहब ने हमें किराए पे दे दिया। भाई ये घर हमारे लिए बड़ा ही लकी है, इसलिए हम लोगों ने फैसला किया है शादी करके इसी घर में रहेंगे। अब आप लोग निकले। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल।